जरा आईडीई का फुल फॉर्म बताना आप लोग। आईडीई इसका पूरा नाम क्या होता है? भूल गए, याद नहीं। नहीं बताने का इच्छा है, बताने का है इच्छा? क्यों इच्छा नहीं है बताने का? भूल गए या फिर उम्मीद नहीं था कि मैं अभी आईडी पूछ लूंगा? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप लोग असाइनमेंट बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे हो? बता दे रहा हूँ, 31 मार्च या 30 मार्च, ठीक है? हाँ अच्छा, कल किसी ने मुझे रात में व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन उत्तर को लेकर के, ठीक है? मालूम नहीं मुझे किसने मैसेज किया था, ठीक है? अच्छा आपने मैसेज किया था? आपके क्वेश्चन और उत्तर से मुझे साफ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कैसे हम शॉर्टकट में उत्तर लिख के चुपचाप निकल जाएं, यही है ना? देखिए बात ऐसा है ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे डिक्शनरी में परीक्षा, उसका परसेंट और मार्कशीट, इन सब शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन इस सिस्टम में आपको रहना है, काम करना है तो वैल्यू करना पड़ेगा। देखिए छोटे से प्रश्न का लंबा चौड़ा विश्लेषण करके उत्तर देने से आपके विश्लेषण करके करने के क्षमताओं का पता चलता है, आपके ज्ञान का पता चलता है, ठीक है? आपको मैं, आप सभी लोगों को मैं आधे लाइन में अगर मैं अपने बात को ख़त्म करके बोलूं, ठीक है, तो वैल्यू उस कागज़ के टुकड़े का नहीं होता जो साल भर के जर्नी के बाद आपको मिल जाता है, प्राप्त होता है। वैल्यू उस ज्ञान का होता है जो साल भर के जर्नी में प्राप्त हुआ होता है, कागज़ के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो साल भर में ज्ञान प्राप्त करा है ना, वैल्यू उसका होता है, अन्यथा कागज़ के टुकड़े तो पैसे देने से आजकल बड़े आसानी से मिल जाते हैं, क्यों? तो आप लोग जो असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हो इसके बहाने कुछ पढ़ोगे तो सही, क्यों? और आपको तो मैं बताया ही हूँ, गाढ़ा हुआ धन और ज्ञान, किताब में लिखा हुआ ज्ञान वक्त पे काम नहीं आता है। ये आपने अगर आज के मॉडर्न स्टाइल में कहूँ ना, तो आपने किसी को पैसे उधार दे रखा है तो वक्त पे काम नहीं आएगा। किताब में आपने नोट्स बना के रख लिया है, वो आपको याद नहीं है, वो वक्त पे काम नहीं आने वाला है, ठीक है? तो आप जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आपके रक्त में होनी चाहिए। ज्ञान का महत्व उसके इस्तेमाल से होता है। उस ज्ञान को आप याद रखेंगे तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब उसका वैल्यू है, अन्यथा कोई महत्व का नहीं है, ठीक है? देखिए आप पढ़े लिखे तब माने जाएंगे जब आप अनुकरण करेंगे उस ज्ञान का, अन्यथा आप चाहे चारों वेद, छो शास्त्र, 18 पुराण आप क्यों ना याद कर लें, ठीक है, आपका कोई महत्व नहीं होगा जब तक उसका आप अनुकरण ना करें। भले आपका पड़ोसी है चारों वेद, छो शास्त्र, 18 पुराण नहीं पढ़ा, लेकिन दो चार बातें का अगर वो अनुकरण करता है तो वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसका आपको अनुकरण करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि चलो यार कहीं से परीक्षा दे के 90 ले लाओ, बाकी तो फिर उस किताब से, उस ज्ञान से हमें मतलब ही नहीं है, क्यों? यही होता है ना, नहीं होता? हाँ कॉलेज का तो मैं शकल देखा नहीं हूँ जी, आप जानते हैं, पर एक मेरा फ्रेंड था, कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छा बात बताया था, ठीक है? वो बात मालूम क्या था कि आप सब लोग पास होने के लिए पढ़ते हो,
आप इसको उल्टे तरीके से सोचो। सर हाँ एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं किधर था जी जरा बताना, मैं भूल गया किधर था। खैर छोड़ो, आते हैं मुद्दे पे अपने। ठीक है, तो कल वाला प्रोग्राम आप लोग बनाए थे? नहीं बनाए। गिनती पहाड़ा तो सबसे लिखाइए गया होगा, क्यों लिखा गया होगा ना? चलिए जी, लिखा गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं लिखाया होगा तो और अच्छी बात है। क्यों लिखा गया ना? क्यों कमलेश लिखा गया गिनती पहाड़ा? जरा 18 का सुनाना। क्यों सबसे पीछे आखिरी में कौन बैठा है? आपसे बन गया पहाड़ा? अच्छा बना। 18 का जरा सुनाइएगा। क्यों 17 का तो चल जाएगा, 16 का नहीं? सामने आप, क्या नाम आपका? अनुराग। 18 का चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा बना नहीं था 18 का? कितने का बना था पहाड़ा? नहीं बना था। अच्छा बना ही नहीं था वो पहाड़ा वाला? नहीं बना। तो पूछने का था फिर, पूछने का था फिर जब नहीं बना पहाड़ा वाला तो। ठीक है पूछिएगा अभी आप। और किस किस से नहीं बना पहाड़ा वाला? बन गया? नहीं बना तो जसवाल बन गया पहाड़ा वाला ना? पक्का 18 का सुनाओगे? अच्छा पहाड़ा आता ही नहीं? अच्छा भूल गए, फिर से याद करो अभी सर। कर लो। चौथी तक पहुंच गए थे। मैं सातवें में पढ़ रहा था जी, एक सर थे, बोले पहाड़ा सुनाओ। मैंने कितने का सर? तो बोल दिए 13 का सुनाओ। बोला 13 का सुनाओ? 13 का सुना दिया। तो फिर थोड़ी देर रुके, फिर बोला 17 का सुनाओ। तो मैं बोला सर ऐसा है ना कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, लिख दूंगा। ठीक है बोल नहीं पाऊंगा, लिख दूंगा। तो सर बोले लिखो। अच्छा जोड़ के लिख दिया। गुड गुड, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोला वाह सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, दो चार बार और कहना। ठीक है तो 10 नंबर मिलने वाला था, 8 नंबर मिले। ठीक है तो मैं लिखने के लिए नहीं कहूँगा फिर। क्योंकि मुझे मालूम है आजकल के लोग बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है तो और ठीक है ना? पहाड़ा लिखा जाएगा ना? चलिए तो शुरू करते हैं प्रोग्राम बनाना। ठीक है तो मैं अगर आप लोगों को कहूं कि एक ऐसा आप लोग प्रोग्राम बनाइए जो मेरे से पूछे रोल नंबर तो मैं रोल नंबर डाल दूं, नाम पूछे तो नाम दे दूं, और हमरे से क्या पूछे कोर्स तो मैं कोर्स दे दूं, और जैसे इंटर मारूं तो नाम रोल नंबर कोर्स या रोल नंबर नाम कोर्स प्रिंट कर दे, तो ऐसा आप लोगों से बन जाएगा प्रोग्राम, बन जाएगा ना? आप लोग से नहीं बनेगा? ट्राई करते हैं बनाने के लिए मेन ऐसे। ठीक INT नाम का बनाया, रोल अंडर स्कोर NO लिखा, कॉमा दे दिया, कैर नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे नेम लेंगे, नेम लगभग 10 कैरेक्टर का ले लेंगे हम। ठीक है फिर कॉमा कोर्स हो जाएगा, कोर्स लगभग 5 कैरेक्टर का ले लेंगे, सेमी कॉलन दे दिया, PRINT प्रिंट एप। ठीक है इंटर रोल अंडर स्कोर नंबर, ठीक है कॉमा दी, सेमी कॉलन दिया, फिर स्कैन एप दे देंगे। ठीक है और स्कैन एप देने के बाद यहाँ पे %D कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या दे देंगे एड्रेस ऑफ M% या एंड, फिर इसी को दे देंगे यहाँ पे, सही है ना? इसमें तो कोई गलत होगा नहीं होगा ना? पक्का? चलिए इंटर नेम कर देंगे। ठीक है यहाँ पे नेम कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे C
सी एस कर देंगे स्ट्रिंग के लिए, एस हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, सी ओ यू आर ए सी ठीक है। कोर्स का स्पेलिंग सही है नहीं है, सही है होना चाहिए, ओ यू आर ए सी कोर्स कर देंगे ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे यस ठीक है। और फिर नीचे आएंगे और पी आर आई एन टी प्रिंट एफ कर देंगे ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, परसेंट डी स्पेस परसेंट एस स्पेस परसेंट एस ठीक है, एस कर देंगे ठीक है। यहाँ पे कॉमा देंगे और रोल नंबर को लिख देंगे यहाँ पे ठीक है, कॉमा नेम कर देंगे कॉमा सी ओ यू आर एस ई प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे ठीक है। और इसको मैं सेव कर देंगे ठीक है, इस स्टूडेंट डॉट सी नाम से मैं सेव कर दिया ठीक। कंपाइल रन कर दूं प्रोग्राम चलेगा ना, नहीं चलेगा, चलना चाहिए ना। चलिए जी हम कंपाइल और रन आपको करके दिखा देते हैं। तो कंपाइल वगैरह होना शुरू हो गया जी, रन भी हो गया, 101 दे दिए रोल नंबर, एंटर मार दिए, नेम पूछ रहा है ठीक है, ये भी दे दिए, कोर्स पूछ रहा है, यहाँ पे भी देते हैं सी ओ यू आर एस ई ठीक है। ये क्या मजाक है, ये तो मजा नहीं आया, ये तो हमको पता ही नहीं चला ये क्या प्रिंट कर दिया ऐसे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एक लाइन जो है ब्रेक कर कर देता हूँ ठीक है। ठीक है कर दूंगा ऐसे ठीक है। फिर से कंपाइल रन किया मैं, नेम कोर्स एंटर किया, आ गया ना, परफेक्टली आ गया ठीक है जी, परफेक्टली आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया होता तो बोल दिया ऐसा हुआ तो नहीं ना। हम कर देते हैं 101 हो गया एंटर, ये क्या मजाक है, गड़बड़ हो गया जी। फिर से प्रोग्राम को कंपाइल रन में करता हूँ ठीक है, 101 इस एंटर मारा, नेम पूछ रहा है एस ई एम स्पेस दिया एम आई एस एच आर ठीक है, दे दिया, एंटर करता हूँ, ये क्या मजाक है, कोर्स तो हमसे पूछा ही नहीं जी, नहीं पूछा ना, पूछा इसको ना, मैं कर देता हूं 20 ठीक है। कंपाइल रन करता हूं, रोल नंबर में डालता हूं 10 ठीक है, नेम में नेम अपना दे देता हूं ठीक है, एंटर मारता हूं, फिर दे देता हूं कोर्स में BCA, एंटर मार रहा हूं तो पूरा परफेक्ट चला, चल गया ना। एंटर करता हूं मैं फिर से और इस यहां पे कंपाइल रन फिर से करता हूं, रन भी सिर्फ करूंगा तो दिक्कत नहीं है। रोल नंबर में 10 डाला, नेम में क्या करूंगा मैं, नेम में आपकी बार पूरा नेम डाल देता हूं मैं, डाल दिया, जैसे ही मैंने एंटर करा तो कुछ ऐसा आ गया, मजा नहीं आया। इसका क्या मतलब है जी, इसका क्या मतलब है, हाँ सत्य कहा आपने, जैसे ही हम स्पेस दे देते हैं ठीक है, तो स्पेस को जो है स्कैनएफ क्या करता है, मान लेता है कि यहां से दूसरा कैरेक्टर शुरू हो रहा है ठीक है। 101 स्पेस स्पेस BCA एंटर मारा, ये देख लो एंटर मैंने मारा ना, तो जैसे ही मैं एंटर मारा ये सारा वैल्यू को एक बार में ही उठा के डाल दिया नेम और इन सब में और प्रिंट कर दिया, आपने ध्यान दिया। मैं फिर से कंपाइल रन करता हूँ ठीक है, कंपाइल रन मैंने करा ठीक है, 101 लिखा, स्पेस दे रहा हूँ, अपना नाम टाइप करता हूँ, फिर स्पेस दिया, कोर्स टाइप किया BCA, मैंने एंटर एंटर करके तो नहीं टाइप करा ना, नहीं टाइप करा, तो पहला मैसेज सिर्फ आया है प्रिंट रोल एंटर रोल नंबर का, जैसे ही एंटर मारा तो आया दूसरा मैसेज नेम के लिए ठीक है, फिर तीसरा और फिर ये वाला स्कैनएफ जो है चला ही नहीं, फिर आ गया चलने के लिए तो चला, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि नहीं चला, फिर बोल दिया इंटर कोर्स,
जब मैंने कोर्स यहाँ पे डाला, कोर्स डालने के लिए मौका ही मुझे नहीं दिया, और सीधा आ गया कहाँ पे, सीधा प्रिंट कर दिया ये तीनों वैल्यूज। मतलब इसका एनएफ के लिए क्या है, स्पेस डेलिमीटर मान लो इसको, या फिर मान लो कि स्पेस उसको इंडिकेट करता है कि यहां से दूसरा वैल्यू आपको लेना है। ठीक, आपको ये बात समझ में आया नहीं आया समझ में? जैसे ही हम स्पेस दे देते हैं तो क्या बोलता है इसका एनएफ कि यहां से दूसरा वैल्यू हमको लेना है, ये डेलिमीटर है इसके लिए। ठीक, तो इन सबको हम ना लिखें, लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है कि जो नेम है ना, मुझे जो है टोटल कैरेक्टर नेम में लेना है, नेम का टोटल कैरेक्टर लेना है। ठीक, दो अंक में अगर मैं नेम दूं, स्पेस दे करके फुल नेम लिखूं तो भी ले ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे गेट्स। ठीक, और इसमें दे देंगे नेम। ठीक, ऐसे ही होता है ना, पता नहीं अब ऐसे ही होता होगा जी। कंपाइल रन करा मैं, 101 दिया, इंटर मारा, अभी क्या मजाक है यार, ये तो बहुत नाइंसाफी है, अब तो कुछ हुआ ही नहीं जी। इंटर, ये आ गया, फिर से मैं कंपाइल रन कर रहा हूं। ठीक है, 101 स्पेस, ठीक है, फिर बीसीए, इंटर मारा, ये क्या मजाक हो गया, ये लो, अब एक क्या आ गया जी। हमने क्या करा, 101 दिया, ए चला गया रोल नंबर में, सेवंथ के बाद बीसीए मैंने लिखा, ठीक, यहां पे, तो क्या ले लिया, नेम में ले लिया, इस नेम वाले में। ठीक, और फिर जब मैंने आखिरी में कोर्स में डाला ये 4GWG, तो उसको कोर्स में डाल दिया। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ये तो बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है ना प्रोग्राम, ऐसा चलना नहीं चाहिए ना, चलना चाहिए जी, चलना तो नहीं चाहिए जी। तो क्या किया जाए, अब जो है रुका क्यों नहीं, रुकना तो चाहिए था ना। देखिए, मैं सीधा सा अगर आपको मैं बताऊं, आपको मैं इसको मान लो हटा देता हूं मैं, ठीक है, और इन सबको मैं हटा देता हूं। ठीक है, प्रिंट प्रिंट जो मैं करा रहा हूँ ना, इन सबको हटा देता हूँ, एक ठो मैं प्रिंट स्टेटमेंट रहने देता हूँ, रोल नंबर नेम COURSE। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल और रन कर देता हूँ। ठीक है, इंटर इंटर इंटर, तीनों आ गया। ठीक है, अब उस केस में क्यों नहीं आ रहा था जो हम गेट्स दे रहे थे, तो आना चाहिए था ना। इसको रहने ही देता हूं, नेम के जगह पे मैं गेट्स का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, गेट्स यहां पे नेम कर लूंगा। ते जो गेट्स नाम का फंक्शन है, ये कब चलता है, जब एंटर मारते हैं तब ही वो डेलिमीटर एंटर को ही मानता है। ठीक है, स्पेस को स्कैनएफ जो है डेलिमीटर मान लेता है, लेकिन जो गेट्स नाम का फंक्शन है वो स्पेस को नहीं मानता डेलिमीटर। ठीक है, ये ले लो आप, आ गया। ठीक है, तो हमको अब क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसे समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूं पेंट, PAINT। ठीक है, आपको मैंने एक बफर के बारे में शायद इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी आ रहा था, शायद आया था ना एक दो बार, नहीं आया था कि रुक नहीं रहा था कर्सर वगैरह। ठीक है, तो देखिए स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है कि मान लो एक तो मैं आकृति बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके ये करता हूं, मैं लिखता हूं की BORD। ठीक, एक और मैं डब्बा बनाता हूं, ठीक है,
बफर, ठीक, स्कैन एप या गेट्स फंक्शन, गेट्स या फिर स्कैन एप, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, आप सारे लोग मोबाइल अपना साइलेंट करके रखोगे इधर, तो जरूरी कौन सा है पता चलाना है यहाँ पे, जरूरी तो नहीं है ना। देखिए, स्कैन एप और गेट्स जो नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन सीधा कीबोर्ड से नहीं लेता है इनपुट, ठीक है, ऐसा कहा जाता है जी, ये सीधा जो है इनपुट कीबोर्ड से नहीं लेता है, ठीक। कीबोर्ड का डेटा पहले कहाँ जाता है, यहाँ, क्या मजाक है, हम इधर से लाइन को ले लेंगे, ठीक है, ये वाला। अब भी तो बार पक्का मैं फ्लाइट मोड में डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा अभी, तो यहां से मैं आऊंगा, ठीक है, ये बफर में, ठीक है, कीबोर्ड का डेटा जाएगा बफर में, ठीक है, और फिर ये दोनों जो फंक्शन है ये बफर से डेटा लेंगे ऐसे, ठीक ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सीधा कीबोर्ड से जो है डेटा नहीं लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि कीबोर्ड का डेटा बफर में गया, बफर जब फुल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है बफर अगला इनपुट लेगा ना, जब फुल हो जाएगा तो इसका डेटा वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे और फिर जो है डेटा ले लेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। लेकिन होता ये है कि मान लीजिए डेटा कम था, बफर में फुल नहीं हुआ, तो और डेटा वो ले लेगा, जब पूरा डेटा भर लेगा बफर, ठीक है, फिर जो है स्कैन एप या गेट्स वगैरह के माध्यम से जो है डेटा को डाल देगा, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली ये बोलना पड़ेगा, भाई बफर क्या काम करो तुम कि डेटा वेरिएबल में डाल दो जी, ठीक है, और हमको दूसरा डेटा लेना है अब इनपुट, ठीक है, इस तरह का हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, कुछ नहीं, बस एक तो प्रीडिफाइंड फंक्शन चलाएंगे ना हम, काम चल जाएगा अपना, ठीक है, एप प्लस, ठीक, और इसको दे देंगे एसटीडी माने स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक, और कर देता हूं मैं कंपाइल और रन। ओ बोल रहा है फर्स्ट यूज अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये फंक्शन जो ये जो है ना, ये एसटीडी इन इनपुट स्ट्रीम जो है, ये है हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड stdio.h में, ठीक है, आई, हाँ बोलिए, एस टी डी आईओ ही होता है यार, मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, stdio का मतलब, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, आईओ का मतलब है इनपुट और आउटपुट, ठीक, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को ये इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक, और ये एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, इन का मतलब है इनपुट, ठीक है। देखते हैं जी क्या होता है अब हमारा रिजल्ट। 10 एंटर एंटर, अब बराबर डेटा आ गया, तो हुआ क्या, इसको असाइन कर दिया 10 को वेरिएबल्स में, फिर जो है एक क्या मजाक कर लिया भैया, इन परसेंट इसमें ये डाल दिया, गेट सी एच, फिर से मैं रन करता हूँ एक बार, 10, मैंने लाइन नहीं ब्रेक करा है क्या, चलो ब्रेक कर लेंगे कभी, ठीक है, कुछ इस तरह का आ गया जी, ये तो मजा नहीं आया, ठीक है,
अब क्या किया जाए जी, ये तो मजा नहीं आया, नहीं आया ना। नहीं, मेरे को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर मैं कर रहा हूं। ये देखिए ऐसा करने मैं क्या कर दिया। सही बात है भाई, प्रोग्राम को तो टर्मिनेट होना ही था, तो ये तो ऐसा ही लेगा। ठीक है, ये हमको क्या प्रिंट कर दे रहा है जी, एड्रेस भी प्रिंट करके दे दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, एड्रेस प्रिंट ना करके दे इसलिए। यार जेल हो जाओ ना तुम। भूल रहा हूँ यार, भूल गया यार मैं, एक ही बारे चल गया फिर से। मैं भूल रहा हूँ, कुछ मिसिंग कर रहा हूँ मैं। चलो याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से डेटा हम ले लेंगे जी। ठीक है, इस तरह से डेटा हम ले लेंगे ना, नहीं लेंगे, ले लेंगे इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको करूंगा डिलीट। ठीक ठीक है, इन सबको कर दूंगा डिलीट मैं। ठीक है, मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करके रखना है। ठीक है, रोल नंबर स्टोर करके रखना है और नाम और कोर्स। ठीक, तो ठीक है, एक ही स्टूडेंट के लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं आईडी यहां लेता हूं, मैं उतना रोल नंबर लिखने में मजा नहीं आएगा मेरे को। आईडी में 10 दे दिया, नेम में क्या दे दूंगा जी, नेम में कुछ भी दे दूंगा, अमित सुमित। ठीक है, फिर कोर्स में क्या दे दूंगा जी, कुछ भी दे दूंगा, डीसीए बीसीए। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर लिया ना मैं। चलिए इसी को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहां दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा 11, अमित के जगह पे ले लूंगा मैं सुमित। क्या मैं लिख दिया, डीसीए के जगह पे कर दूंगा बीसीए। ठीक, और इन लोग का डेटा भी मैं प्रिंट करा दूंगा, वैसे ही करा दूंगा ना, प्रिंट ऐप से प्रिंट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन मेरे से कोई पूछता है कि सुमित का कोर्स बताओ, ठीक, मैंने क्या काम किया, सुमित ये उठा लिया, कोर्स इसको उठा लिया, तब तो ये गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ये गलत, इस तरह से ये मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर से इसको मैं करता हूँ कमेंट। अगर इसी को सिर्फ देखें हम, तो यहाँ पे पता ये चल रहा है कुछ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं आईडी नेम कोर्स, लेकिन किसके लिए, किसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो पता नहीं है ना, ये तो पता नहीं है किसके लिए डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए किस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जी, स्ट्रक्चर। ठीक, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है भाई, कोर्स आईडी में स्टूडेंट का बोलता हूँ कि 11 नंबर जिसका आईडी है, ठीक है, उसका नाम बताओ। 11 नंबर आईडी मैंने ये ले लिया, नाम इसको ले लिया, क्यों आप कहें कि नीचे वाला ले लो, तो इसमें चाहे इसमें कोई अंतर तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है।
ये नाम तो हार्ड कोड किया हुआ है ना, क्यों इंटरनली मेमोरी के अंदर, तो ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, ये तो एक ही है जी, बस दो टू वेरिएबल बनाना है, बनाया पर एक ही जैसा है ना। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करा जी, स्ट्रक्चर का जन्म हो गया। ठीक है, चलिए जी, ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है मैं बताता हूं आपको। हमें किसका डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट का। ठीक, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, STRUC स्ट्रक्चर कैसे बनता था यार, भूल गया मैं, STRUCT स्ट्रक्ट कीवर्ड था सर, हाँ हाईलाइट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड देंगे पहले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इससे अभी बना नहीं है। फिर स्ट्रक्चर का हम नाम देंगे कुछ, मैं नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक, और फिर लगाएंगे ब्रेकेट, ऐसे ब्रेकेट लगाएंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे हम। ठीक, और फिर यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे हम। ठीक, हमने बना लिया यहाँ पे वेरिएबल, ऐसे बना लिया ना, ऐसे हमने वेरिएबल जो है बना के रेडी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन देके यहाँ पे फिर से कैर लिख देता हूँ जी, आपके समझने योग्य, वैसे वो भी समझने योग्य ही था। अब क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, यूजर डिफाइन डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, हमें क्या करना था, एक स्टूडेंट का जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना था, राइट। हमने क्या किया, एक स्टूडेंट टाइप का ही डेटा टाइप बना दिया, जैसे इंट आईडी है, तो इंट क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है ना, इंट टाइप का आईडी है। ठीक है, कैर क्या है, एक डेटा टाइप है, उसी टाइप का ये नेम है ना, तो उसी तरह से स्टूडेंट टाइप का भी मैंने एक डेटा टाइप बना के अपने से रेडी कर दिया, किसके लिए, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा हमें, हमें यूजर डिफाइंड डेटा को रखने के लिए। ठीक है, वही स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना था, तो हम ऐसे ही वेरिएबल बना के रखते तो समस्या आ जाता ना बहुत सारा, हम किसी और का आईडी लेते और किसी और का नाम दे देते, डेटा दे देते, क्यों। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। समझ में किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, चलो थोड़े से तरीके बदल देते हैं समझने का। ठीक है, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप तो आप लोगों को क्या लगता है ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, आप लोगों को क्या लग रहा है, नहीं बताओगे, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, बोल दो, जो भी चीजें दिखता है सब तो ऑब्जेक्ट ही है ना, क्यों, जो भी चीजें आपको रियल वर्ल्ड में दिखाई देता है वो सब तो ऑब्जेक्ट ही है ना, जैसे इतने सारे यहाँ पे कीबोर्ड्स हैं, मॉनिटर्स हैं, सीपीयूज हैं, तो ये सब ऑब्जेक्ट ही तो है, क्यों। अच्छा, आपने गाड़ी के कांच में देखा है कुछ मिरर अपेयर ऑब्जेक्ट करके लिखा रहता है कुछ कुछ अंग्रेजी में, तो उसका क्या मतलब होता है जी, शीशा में तो कुछ भी दिख जाता है ना, तो जो भी चीजें दिखता है वो सब ऑब्जेक्ट ही तो है, जो भी चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सब ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट। चलिए जी, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना, नहीं आया, हाँ, तो जो भी चीजें हमें दिखता है जी वो सब ऑब्जेक्ट है, जो नहीं दिखता है हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करके कैसे रखेंगे मेमोरी के अंदर जी, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जन्म हो गया आपका स्ट्रक्चर का। ठीक है, मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं हटा दूंगा ऐसे, ठीक, तो ये जो है ये क्या है, ये है
वेरिएबल्स बना हुआ है, कुछ डेटा है कुछ, ठीक है। अब इसको देख करके आप तो नहीं बना बता सकते ना कि ये किसके लिए बना है, ये मैंने किसके लिए लिया है, ये तो आप देख करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए जन्म हो गया जी स्ट्रक्चर का, ठीक। इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इस स्ट्रक्चर का जन्म हो गया, ठीक है। और ये किसके लिए है, तो ये स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पे हमने लिख दिया है तो पता चल गया जी ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो कुछ सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट थे जिसको कैटेगराइज हमें करना था उसको हमने कह दिया जी स्ट्रक्चर कह दो, या फिर C++ आप पढ़ोगे तो उसमें क्लास आ जाएगा तो उसमें कहेंगे क्लास, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ये सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज जब हमें करना हुआ तो हम बना लिए क्लास, क्लास का फिर जन्म हो गया। क्लास में होता है ना, बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, पहली दूसरी तीसरी चौथी पता नहीं क्या क्या, क्यों यहाँ पे भी क्लास है, कुछ DCA वाले हैं, कुछ PGDCA वाले हैं, कुछ BCA वाले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो क्लास है ना, तो बस यही है जी। अब क्लास को क्या बोल दो, यहाँ सी में क्लास होता नहीं, उस समय पे क्लास आया नहीं था, तो सी में जो है स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया कुछ नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि समझ में बहुत ज्यादा कुछ आया नहीं होगा, क्यों नहीं आया समझ में। चलिए जी, इसमें डेटा हम स्टोर करके देखें क्या, डेटा स्टोर करके हम देखें इसमें, पक्का। इसमें डेटा हम कैसे स्टोर करेंगे, तो हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है खाली, ठीक। जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है ना, तो बिल्डिंग का आपने पहले नक्शा तैयार करा, तो बिल्डिंग का जो नक्शा होगा वो होगा स्ट्रक्चर, और बिल्डिंग आपने सही में तैयार कर दिया तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट आपके, अभी मान लीजिए कि आपने स्ट्रक्चर बना के रेडी कर दिया है, ठीक है। तो क्या सच में स्टूडेंट आ गया है इसमें, नहीं आया है। स्टूडेंट कब आएगा, जब हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट में डेटा हम असाइन कर देंगे, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो डेटा असाइन नहीं कर सकते जी। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे इसका, बड़ा आसान है, मेन मेथड के अंदर मैं आ जाता हूँ जी, ठीक है। और फिर लिखता हूँ, इसी को कॉपी कर लूंगा, स्टूडेंट S1, ठीक। ये बन गया जी ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल है, ठीक। किस टाइप का, तो ये स्टूडेंट टाइप का, ऐसे नहीं बनता है, ये भी यहाँ पे शायद लिखना पड़ेगा मुझे जहां जितना याद है, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा जी, ठीक है। तो कंपाइल रन मैंने कर दिया, कंपाइल रन हो गया, लेकिन मैंने कुछ करा नहीं है तो भी थोड़े ना प्रिंट होगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया, अब हम इसमें स्टूडेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो जो ये बन के रेडी हुआ है ना, यही है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम दो ठो स्टूडेंट बना लेते हैं जी, S1 जैसे ही डॉट करा तो यहाँ पे अपने आप आ गया नेम, ID, कोर्स, या फिर जो भी चीजें हैं, ID 10 दे दिया, S1 डॉट नेम, ठीक है। S हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस S1 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से इन सब को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का मदद लेंगे, ठीक। नेम में असाइन कर दूंगा मैं, ठीक है, और फिर S1 डॉट कोर्स ले लूंगा, कोर्स में क्या लिख दूंगा मैं, DCA, ये लिख दिया, ठीक है। एक ठो स्टूडेंट में और बनाता हूं, S2, ठीक, और इसी को मैं कर देता हूं कॉपी और पेस्ट, ठीक। इसको देता हूं मैं 1, इस अमित को मैं क्या दे देता हूं, सुमित कर देता हूं, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं BCA, और यहां पे कर देता हूं S2, ठीक। आप लोग का ध्यान किधर है जी, अब मैं ना सीधा इसका नाम अगर आपके समझने योग्य बना देता हूं जी, अब आप लोग और आसानी से शायद समझ जाएंगे। ऐसे अब शायद आपको और क्लियर
समझ में आए। ये लो हो गया। अब अगर अमित का अगर मुझे कोई नाम पूछता है ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अमित डॉट नेम दे दूंगा ना, अमित डॉट अगर नेम कर दूंगा मैं तो अमित का ही तो नेम आएगा क्यों, या फिर यहां पहले यशवंत था तो कोई यशवंत का अगर मेरे से नाम पूछेगा तो यशवंत डॉट नेम कर दूंगा, तो यशवंत डॉट अगर नेम करूंगा, अमित डॉट नेम किया हूं तो यही आएगा ना डेटा, ये वाला तो नहीं आएगा ना। तो यहां क्या हो गया, अब हमारा जो है डेटा हम करेक्ट मतलब निकाल के देंगे। अब ठीक प्रिंट कर दूं इसको, प्रिंट एफ में लगा दूंगा इसमें ठीक है, परसेंट डी कर दूंगा यहां पे, परसेंट डी होगा परसेंट एस होगा, परसेंट एस होगा, चलिए ए लीजिए जी, कंपाइल रन कर दूं, चलिए कंपाइल और रन कर दिया मैंने, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा यहां पे कॉमा तो देना पड़ेगा ना, अब क्या समस्या आ गया इसको, अमित मैंने कुछ गलत किया है क्या लिखने में, मुझे तो दिख नहीं रहा जी कि मैंने क्या गलत कर रखा है। तो इसका ये कहना है कि मैंने एरे है तो एरे में डेटा आप इसी तरह से डाल दे रहे हो और हम ये नहीं ले सकते ठीक है, इसका यही कहना है ठीक है। तो मान लो जी हम डेटा ऐसे अगर असाइन कर देते हैं ठीक है, ए फिर कॉमा एम फिर कॉमा ठीक है फिर कॉमा ऐसे ठीक है, अब बाकी में एरर आएगा। नहीं जी मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मुझे ये टेक्निक पसंद नहीं है। इसको यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कैर में इसको होल्ड कर दिया मैं, तो ये एरे है ना इसीलिए हो रहा है इसको समस्या, कि आप इस तरह से मत रखो ठीक है। तो हम एरे के फॉर्म में दे सकते थे इसे ठीक है, एरे के फॉर्म में दे दूं क्या, यहाँ पे जीरो नंबर डाल के इंडेक्सिंग करके ऐसे, ये बाकी में एरर देगा अभी। प्रिंट कर देते हैं जी, अब ये तो कुछ और ही आ गया, जीरो यहां पे भी मैं कर देता हूँ जी, और यहां पे क्या कर दूंगा सी कर देता हूं मैं करेक्टर ठीक है, तो ये एक करेक्टर ही यहाँ का भी प्रिंट होगा ठीक है। तो इम्प्लीसिट जो है दे सकते थे हम स्ट्रिंग, लेकिन मैंने अभी किया नहीं है ठीक है। चलिए जी इसको हटाते हैं, यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं क्या इसमें, नहीं ले सकते, यूजर से इनपुट हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं पक्का, ले लेते हैं जी यूजर से एक ठो इनपुट ठीक है। तो कैसे लिया जाता है यूजर से इनपुट, आप लोग बताओगे मुझे, नहीं बताओगे, print printf मैं क्या बोल देता हूँ, इंटर आईडी नेम कर दो और फिर क्या कर दो कोर्स कर दो, सब एक ही बार दे दो जी, हम बार बार नहीं लेंगे। scanf सही लेते हैं ना,
परसेंट डी यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। फिर क्या कर दूँ जी, परसेंट एस भी कर दूँ, फिर परसेंट एस कर दूँ, ठीक है। अब कॉमा करके मैं क्या कर दूँ, एंड एस वन डॉट, बताओगे? यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन देना भूल गया, एस वन डॉट आई डी कर दूँ, मैं सही कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ, नेम कर देंगे जी, फिर से कॉमा दे देंगे और क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे यार इधर आके, कोर्स कर देते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देख लेंगे क्या हम ऐसे, इसी को क्या करता हूं मैं, कॉपी पेस्ट ऐसे, कॉमा, चलो मैं टाइप ही कर देता हूँ, एस वन डॉट आई डी कॉमा एस वन डॉट नेम, ठीक है, कॉमा एस वन डॉट कोर्स, हो गया जी। तो चलाएं प्रोग्राम, चलेगा नहीं चलेगा, चल जाना चाहिए नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए ना, चलिए जी चला देते हैं। प्रिंट कर दिया, चलिए जी। तो इस तरह से हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया। इसको फंक्शंस के थ्रू भी हम बना सकते थे, ठीक है जी, इसको हम फंक्शन के थ्रू भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे बता दूं, कैसे बनाएंगे? अच्छा आप लोग ये बताओ ना मुझे कि लिखोगे इसको या, अच्छा लिखने का है मतलब, ठीक है आप लोग लिख लीजिए, फोटोफाटो खींच लीजिए, तब तक मैं इसको रोक लेता हूँ। इसको फंक्शंस में बना के देखते हैं, ठीक है, कैसे? तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, किस नाम से, इनपुट नाम से, ठीक। ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, क्या मजाक है यार, मैं टी कहे भूल दी यार, इनपुट, ठीक। ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, तो लेने के लिए क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, स्टूडेंट डॉट एस वन, ठीक। अच्छा इसके पहले भी तो स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, और फिर एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कर लूंगा मैं, ठीक। और ये वाला प्रिंट एफ स्कैन एफ जो यहाँ पे लिखा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करूँ या टाइप ही मैं कर दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ ना, चलिए हमको क्या तकलीफ है कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है। ये देख लीजिए हो गया, स्कैन एफ से प्रिंट यहाँ पे हमको नहीं करना है, ठीक। हम क्या करेंगे जी, प्रिंट पहले करेंगे, ये सब एंटर करो, जैसे ही एंटर करेगा इसमें हम होल्ड कर देंगे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, एस वन को रिटर्न कर देंगे, ठीक। अब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो यहां पे भी तो बताना पड़ेगा क्या रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या यहां पे बताएंगे, स्टूडेंट बताएंगे, ठीक, एस टी आर यू सी टी स्टक्ट, फिर स्टूडेंट। अब इस फंक्शन को पता चल गया जी कि हम रिटर्न करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक। एक और फंक्शन मैं बना लेता हूं सो नाम का, एक क्या करेगा जी, हम इसको देंगे क्या, स्ट्रक्चर देंगे, उसी स्ट्रक्चर में से डेटा शो करेगा, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना पर से इतना क्या हो गया, इतना डेटा टाइप हम बता रहे हैं किस तरह का डेटा हम देंगे, ठीक,
और फिर क्या डेटा देंगे हम, स्टूडेंट ही देंगे, एस वन लिख देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम एस वन एस टू कुछ भी लिख सकते हो जी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बना है वही। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे दे देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परसेंट डी लिखूँगा, ठीक है, फिर स्पेस परसेंट एस लिखूँगा, फिर स्पेस परसेंट एस लिखूँगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉमा, इस वेरिएबल में डेटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे एस टू डॉट आई डी, ठीक है, कॉमा एस टू डॉट नेम कॉमा एस टू डॉट सी ओ यू आर एस ई, ऐसा कर देंगे हम, चलेगा ना, नहीं चलेगा, ये सो नाम का हमने बना दिया मेथड, ठीक। मैं ना इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा बन गया, अब इस्तेमाल करना है इस फंक्शन को हमको, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर एक ठो वेरिएबल बना लेंगे, एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस टी डी वन नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक। फिर एस टी डी वन इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, इनपुट ए वाला लेता है ना, इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है एक स्टूडेंट, ठीक। तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक, कॉल कर दिया, और ये फंक्शन क्या किया, रिटर्न कर दिया एस टी डी में, ठीक। अब फिर मैं आऊँगा नीचे, और अब स्टूडेंट को शो भी तो कराना है, तो शो कैसे कराऊंगा, शो फंक्शन कॉल कर दूंगा ऐसे, और फिर एस टी डी वन पास कर दिया, ठीक। कंपाइल रन करें, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, चलेगा क्या लगता है आप लोगों, कॉन्फ्लिक्ट टाइप फॉर इनपुट, ओ समझ में आया, बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डेटा टाइप, एस वन को मैंने यहाँ पे रिटर्न करा, कॉन्फ्लिक्ट होना लेकिन क्यों चाहिए, होना तो चाहिए नहीं थी कॉन्फ्लिक्ट, प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेयर्ड वाज हियर, फिर स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट इनपुट डेटा टाइप, स्पेलिंग तो मैं सही लिखा हूं ना, गलत लिखा हूं कहीं, स्पेलिंग तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ही लिखा हूं, क्यों, मुझे लग रहा है कि मैं स्पेलिंग जो है ठीक ही लिखा हूं, ये लो जी, क्या मांग रहा है ये, आईडी दे दिया, ठीक है, फिर नेम दे दूंगा, फिर बीसीए दे दूंगा, एंटर मारा तो प्रिंट हो गया। मैंने एक गलती यहाँ पे करा है, गलती क्या करा है, लेकिन मैंने इसको जो है स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, इन सो मेथड को बना दिया, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे सो मेथड के नीचे स्टूडेंट मेथड को बनाया, इनपुट मेथड को, फिर जो है मेन को कॉल करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डिक्लेयर करने को बोल रहा था, ठीक है, डिक्लेयर मैं कर देता तो ख़त्म हो जाता, पर डिक्लेयर करने के बजाय मैंने ऊपर ही बना दिया मेथड को ही, फंक्शन को ही बना दिया मेन मेथड के ऊपर, ठीक है, कट पेस्ट करके आपने देखा, ठीक, ये देख लीजिए, मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ जी, दे देता हूँ स्लैश एन, फिर से कंपाइल रन करता हूँ प्रोग्राम जी, ठीक है, कंपाइल रन करा, 10 दे दिया ये, ठीक है, नेम बोल रहा है, ठीक है, तो नेम में क्या दे दूँ जी, क्या नेम कुछ बताइए,
ठीक है, राहुल दे देता हूँ, इसको पढ़ा देता हूँ जी MCA, ठीक है। तो ये ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो गया, आ गया, ठीक। तो समझ में आ गया या एक बार फिर से समझें हम। सबसे पहले हमने ये इंक्लूड कर लिया हेडर फाइल, ठीक। फिर हमने बना लिया स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप कह लो या डेटा स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है। स्टूडेंट टाइप का हमने बना लिया डेटा टाइप, ठीक है। फिर एक ठो बनाया सो मेथड। सो मेथड क्या करता है, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर को लेता है पैरामीटर में, ठीक है, और फिर इसी को प्रिंट कर देता है, ठीक है। s2.id, s2.name, s2.course, ठीक। ये तो लाइट कर गया, चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आरक्यू में शो करा दिया है, ठीक है। इनपुट मेथड क्या कर रहा है, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पे। यहाँ पे बोल दिया है जी आईडी नेम कोर्स एंटर करो, इसका NF के माध्यम से एंटर कराया है और इसको रिटर्न करा दिया है, ठीक है। मेन मेथड में आते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाए स्टूडेंट टाइप का, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कॉल किया इनपुट मेथड। इनपुट मेथड कॉल किया तो आया यहाँ पे, यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना है, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने इनपुट लिया है, फिर इसका NF चल गया, ठीक है। फिर जो है रिटर्न करा, तो रिटर्न करके कहाँ आएगा, वो S1 जो है आएगा यहाँ पे, और ये S1 आएगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है। और फिर यही वेरिएबल्स को मैंने इसमें डाल दिया सो वाले फंक्शन में। सो वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा जी, सो वाले फंक्शन में यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से प्रिंट कर देगा आईडी नेम कोर्स, ठीक है। तो ये यही चल रहा है इसमें। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछिए जी, और नहीं पूछना हो, सबको समझ में आ गया है तो कुछ कहना ही नहीं है। इसको अगर हम ऐसे समझे ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ न्यू में, ठीक है। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक डब्बा लेता हूँ, ठीक है। ये मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बना होगा, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डब्बा बन गया होगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। ये क्या डिज़ाइन बना दिया मैं, चलो छोड़ो कुछ भी डिज़ाइन हो, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डब्बा है ये क्या है, S1 नाम का वेरिएबल, ठीक है। इस बड़े वाले डब्बा के अंदर ये दो डब्बा और है छोटा छोटा, ये तीन डब्बा और है। ये छोटे ये वाला डब्बा क्या है जी, आईडी है, ठीक है। ये वाला क्या है, नेम है, ठीक है, और ये वाला क्या है, COURSE, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है स्ट्रक्चर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है होता है, ठीक है। अब S1 के बाद S1 के अंदर से इन तीनों को एक्सेस करना है ना हमको, तो S1.id, S1.name, S1.course कर देते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना, और प्रिंट कर देते हैं तो प्रिंट हो जाते हैं, यही होता है ना, कुछ और होता है नहीं, यही होता है जो है, ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, इसका मैं फॉन्ट को छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा, फिर भी टोटल नहीं आया, और छोटा कर दूं चलेगा आप लोगों को, इतना में होगा कि नहीं, फिर भी नहीं आया, 1 पॉइंट और कम कर दूं, पीछे दिखाई तो देगा ना सबको,
नीचे एक ठो ब्रैकेट और है, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या इस लाइन को मैं ख़त्म कर दूं जो नीचे लिखा हुआ है। नीचे एक है ना ब्रैकेट, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब तो दिखाई दे ही देगा, तो अब आप लोग फोटो फोटो खींचेंगे तो खींच लीजिए जी, लिखेंगे तो लिख लीजिए, मैं रोक लेता हूँ तब तक। तो आगे चलें? बोली अब भी आगे जाना है क्या? हाँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है यूनियन। यूनियन, ठीक है, जैसे ही स्ट्रक्चर है सेम वही है यूनियन, ठीक है। अब यूनियन का क्या काम होता है जी? तो यूनियन का काम ये है कि जो स्ट्रक्चर का काम है, अब आप कहोगे दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि स्ट्रक्चर के केस में मेमोरी कितना मिलता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जैसे मान लो इंट है, इसका दो बाइट मान लो है डेटा टाइप, दो बाइट मान लो है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर है, कैरेक्टर का वन बाइट होता है, ठीक है, ठीक है। फ्लोट है, चार बाइट होगा या टू बाइट होगा, वन बाइट होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर वन बाइट ले ले रहा है, आईएनटी है, चार बाइट भी ले लेता है, फ्लोट आठ बाइट भी ले लेता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है ना कि कितना मेमोरी लेगा, एक कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाता है, 16 बिट का है तो अलग हो जाएगा, 32 बिट का है तो अलग हो जाएगा। अब 64 हो उसके ऊपर, मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सिंपल सा ध्यान दो बेसिक लेवल पे, ठीक है। कि इन मान लीजिए जैसे इस कैरेक्टर को कितना बाइट मिल गया, एक बाइट मिल गया, इसको भी एक बाइट मिला, यहाँ पे तो हमने 10 लिखा है मान लो, ठीक है, तो 10 बाइट और इसको मिल गया 5 बाइट, ठीक, तो 5 और 10 15 बाइट हो गया ना, नहीं हुआ। और ये है ना इंट, इसको कितना मिल गया, 2 बाइट मिल गया मान लो, ठीक है, तो इसको 2 बाइट मिल गया तो कितना हो गया, 15 और 17, इस सबको 17 बाइट मिल जाएगा जी, ठीक है, 17 बाइट मिल जाएगा ना सबको। तो इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट नाम के जो वेरिएबल एक ठो बनेगा उसको मेमोरी कार्ड में मेमोरी कितना मिलेगा, 17, ठीक है। आपके मेमोरी कार्ड में जगह कितना मिलेगा, माने 17, ठीक, 17 बिट आपका जगह घेरेगा ये, ठीक है, और उसमें क्या रख देगा, इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को। वेरिएबल कहाँ हमने बनाया है, यहाँ पे वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, तो रख देगा उसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के लिए ही वैलिड है, बाकी किसी फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इनपुट फंक्शन में जो ये बना है ये सिर्फ वैलिड है, यहाँ पे जो बना है ये इसी फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है, मेन मेथड के लिए ही ये std1 नाम का वेरिएबल वैलिड है, ठीक। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होके खत्म हुआ, ये वेरिएबल में जो मेमोरी मिला था वो मेमोरी रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक, क्लियर आपको। तो इस तरह से फंक्शंस को जब हम बनाते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट भी कुछ बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के केस में स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को मेमोरी कितना मिलेगा, 17 बाइट, ठीक ना। लेकिन यही अगर ये यूनियन होता तो कितना वेरिएबल मिलता, तो फिर चेक किया जाता कि साइज कितना है, ठीक है, इंट का साइज कितना होता है, कैर का साइज कितना होता है। एक ठो मैं ना फ्लॉट भी ले लेता हूँ जी इधर, ठीक है, कोर्स को हटाता हूँ, FLOAT, ठीक है, फ्लॉट F, फ्लॉट का 4 बाइट मान लो दे दिया मैं, ठीक है, 4 बाइट, ठीक है। तो क्या होगा यूनियन के केस में, यूनियन में चाहे जितने भी डेटा मेंबर हो, ठीक, ये सब क्या है, डेटा मेंबर, ठीक, स्टूडेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है उसी का ये मेंबर है, ठीक।
राइट तो यही स्ट्रक्चर है। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, यूनियन, यूनियन यहीं पे लिख दिया तो स्टूडेंट नाम का यूनियन बन के रेडी हो गया। ठीक, तो स्ट्रक्चर के केस में सभी मेंबर को मेमोरी मिलता है, लेकिन यूनियन के केस में सभी मेंबर्स को मेमोरी नहीं मिलता। ठीक, किसी एक को मिलता है, किसको मिलेगा हटा देता हूं। नेम का साइज कितना होगा जी, 1 byte, इंट का ले लो 2 byte, फ्लोट का ले लो 4 byte। ठीक, तो यूनियन के केस में मेमोरी उसी मेंबर को मिलता है जिस मेंबर का मेमोरी जो है सबसे ज्यादा होता है, जिस मेंबर का साइज सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्लोट का साइज सबसे ज्यादा है ना, एन कर देता हूँ, मेरे को इतना लंबा नहीं चाहिए। ठीक है, नाम तो आईडी 2 byte। ठीक है, अब कंपाइलर बदल दूंगा तो बदल जाएगा उसका साइज में। ठीक है, कैर का 1 byte, फ्लोट का 4 byte। ठीक है, तो इसमें से ऐसा डेटा टाइप माने ऐसे वेरिएबल्स को देगा जगह, ठीक है, जो कि जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए इंट आईडी जो है, आईडी का मान लो 2 byte है। ठीक है, तो 2 byte अगर मेमोरी खाली एलोकेट करते हैं स्टूडेंट नाम के यूनियन को, तो फ्लोट का तो 4 byte होता है ना, तो फ्लोट में डेटा हम कैसे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। अगर कैर को हम देते हैं 1 byte, ठीक है, 1 byte डेटा एलोकेट करते हैं स्टूडेंट नाम के यूनियन को, ठीक है, तो कैर का तो 1 byte साइज होता है, तो 1 byte में फ्लोट नहीं आ पाएगा, नहीं इंट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो इसीलिए हम फ्लोट का जितना साइज होता है उस साइज का मेमोरी एलोकेट कर देंगे स्टूडेंट नाम के यूनियन को, क्योंकि फ्लोट का 4 byte है, तो 4 byte में 1 byte कैरेक्टर का है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, बच भी जाएगा मेमोरी। ठीक है, और फिर इंट में आईडी आ रहा है, तो ये 2 byte इसको चाहिए, 2 byte बच जाएगा और। ठीक है, तो जब आप यूनियन बनाते हैं तो यूनियन के मेंबर में जिस मेंबर का साइज सबसे बड़ा होता है उसी साइज का मेमोरी एलोकेट किया जाता है यूनियन को। ठीक, और जब स्ट्रक्चर होता है तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर के सभी मेंबर को मेमोरी मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया नहीं आया, बताओ भाई, सच में आ गया ना नहीं आया, कुछ नहीं बोलोगे? हाँ ना, पीछे सब लोग को आ गया समझ में? यूनियन के केस में किसी एक को ही मेमोरी एलोकेट किसी एक मेंबर के लिए किया जाता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन एक ही होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के केस में मैं 3 ठो बताया था ना आपको, लेकिन यूनियन के केस में एक ही होगा। ठीक, क्लियर सबको? पीछे कुछ अगर समझ में आपको नहीं आता तो आप पूछ लीजिए। और ये मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर इसका है। ठीक है, हो सकता है वाइवा में पूछ लिया जाए या एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, क्या प्रमाण है जी कि यूनियन के केस में एक को ही मिलता है मेमोरी, स्ट्रक्चर के केस में सबको मिलता है? तो ये स्ट्रक्चर के केस में सबको मिलता है ये बात तो आप जान ही रहे हो, बस सिद्ध करना है। तो यूनियन के केस में वेरिएबल का मैं नाम बदलता हूं, ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर बदल देता हूं जी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करके साबित कर देंगे कि हम जो कहते हैं वो सही है। और अगर प्रिंट करेंगे वैसा प्रिंट नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि हम गलत हैं, हमारे कॉन्सेप्ट गलत हैं, हम जो पढ़े हैं। मैं सही कह रहा हूं ना, नहीं कह रहा हूं सही? चलिए जी, नेम कोर्स के जगह पे क्या दे दूं, फीस कर देता हूं। प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करने से पहले क्या करूंगा जी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो सभी को मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा जी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या किया, यूनियन में बना दिया जी। कंपाइल रन करते हैं, चलेगा प्रोग्राम, नहीं चलेगा? आईडी डाला, नेम में मैं सिर्फ एक कैरेक्टर डालूंगा। ठीक है,
फ्री स्पेस लिया, फीस में डाल दिया 100 रुपये, एंटर मारा, हे भगवान ये तो पता नहीं क्या आ गया, मज़ा नहीं आया ना, नहीं मज़ा आया। चलिए सभी को मैं क्या कर देता हूँ, INT ID है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पिन वगैरह एंटर कर देंगे, मैं 2 मेंबर लेता हूँ, ठीक है, इंट नाम का ही वेरिएबल रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ पिन, ठीक है, मैं इसी में बदलाव कर रहा हूँ, तो आपको कोई समस्या तो नहीं है इससे, आपको समझ में आ रहा है मैं बदलाव कैसे कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, तो मैं फिर पूरा प्रोग्राम को हटा करके फिर से लिख दूंगा, ठीक। परसेंट डी, ठीक है, चलाते हैं हम, कंपाइल रन किया, 10 दे दिए, फिर 20 दे दिए, ये 20-20 आ गया जी, मज़ा नहीं आया ना, तो ये सिद्ध हो गया कि एक ही मेमोरी मिलता है, ठीक। सबसे पहले हमने क्या दिया, आईडी नाम के वेरिएबल को, ठीक है, 10 पास कर दिया, तो आईडी में 10 आ गया, ठीक है, फिर पिन नाम के वेरिएबल में 20 पास कर दिया, ठीक, तो क्या हुआ, आईडी हो या पिन कोड हो, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि मेमोरी लोकेशन में जो है चेंज कर दिया, पिन जब डाला तो 20 हो गया, तो आईडी और पिन दोनों में 20 हो गया, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर इसी को समझें, तो पहले मैंने 10 दिया, आईडी में स्टोर हो गया, ठीक है, फिर 20 दिया, वो पिन कोड में जाकर के स्टोर नहीं होगा, बल्कि एक ही मेमोरी मिलेगा आईडी को या पिन को, ठीक है, एक ही मेमोरी मिला, आईडी डाला तो आईडी में 10 चला गया, पिन के जरिए डाला तो फिर 20 गया, तो आईडी को डिलीट करके आईडी में जो 10 डाला था उसको डिलीट करके 20 डाल दिया, ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन एक ही है, बस नाम यहाँ पे अलग अलग है। मैं पेंट ओपन कर लूँ, ठीक है, और मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ फोटो फाटो बनाऊँ, ठीक है, ऐसे, तो मान लीजिए आप, ठीक है, ये S1 नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और ऐसा ये है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक ही मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है, और इसी मेमोरी लोकेशन को दोनों लोग पॉइंट करेंगे इधर, ठीक है, ये दोनों लोग पॉइंट करेंगे, ये ले लो, ठीक है, पहले था आईडी, ठीक है, ठीक है, और फिर यहां से है पिन, ठीक। तो जब मैंने आईडी को वैल्यू दिया तो आईडी ने क्या किया, यहां पे क्या रख दिया, 10, ठीक। फिर जब मैंने पिन को दिया डेटा तो पिन ने क्या किया, इसको गायब कर दिया, ठीक है, और यहीं पे क्या डाल दिया, यहां पे डाल दिया 20, ठीक। और जब हमने प्रिंट करा, ठीक है, तो आईडी को भी प्रिंट करा, पिन को भी प्रिंट करा, तो फिर आईडी गया इसी 20 के पास और 20 को प्रिंट कर दिया, और यही पिन फिर से गया 20 के पास और फिर से प्रिंट कर दिया 20। तो यही कारण है कि यहां पे क्या आया, 20-20 आ गया, ठीक है। तो समझ में आया कुछ आपको, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या फिर जो मैंने फंक्शन वगैरह बनाया है वो भी समझ में नहीं आया, हाँ चलिए सारा फंक्शंस वगैरह मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आसान शब्दों में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट नाम का एक यूनियन बनाया, STD1 डाला, ठीक, डाल दिया ना, फिर मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, STD1 नाम का वेरिएबल बनाया और डाल दिया आईडी, आईडी में क्या डाल दिया, 10 डाल दिया ना, फिर इसको मैंने प्रिंट करा, ठीक, और परसेंट डी किया यहां पे,
और फिर क्या किया, सिंपल सा बात है, इसी को यहां पे लाया और पेस्ट कर दिया, ठीक। और इसी को मैं फिर से अगर मैं कॉपी पेस्ट मारूं, ठीक है, ऐसे, और यहां पे कर दूं पिन, ठीक, और यहां पे डाल दूं 20, यहां पे लिख दूं पिन, ठीक, और इसको मैं कंपाइल और रन कर दूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन चेंज कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इतना तक सबको क्लियर है, नहीं है? सिंपल सा बात है, आईडी एसटीडी 1.id किया, आईडी में डाल दिया 10, फिर उसी 10 को यहां पे प्रिंट कर दिया, ठीक, फिर यहां पे std.pin में डाल दिया 20 और इसी std pin को जो है यहां पे प्रिंट कर दिया, तो 10 और 20 आ गया, ये बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे पिन में 20 असाइन करा, आईडी का वैल्यू डिलीट हो गया, ठीक, आईडी का वैल्यू जो 10 रखा था वो डिलीट हो गया जी, ठीक है, प्रिंट करके दिखा दूं, चलिए यहां पे आता हूं मैं, ठीक है, यहां पे दे देता हूं स्लैश एन, ठीक है, और इसी आईडी को दोबारा से मैं यहां पे पिन के नीचे प्रिंट कर ले रहा हूं, ठीक, एक बार यहां पे आईडी को प्रिंट करा, फिर यहां पे भी आईडी को प्रिंट कर दिया, ठीक, ये देखिए जी, अब आ गया 2020 नीचे 10 2020, ठीक, आईडी में रखा मैंने यहां पे, ये पिन जो है ना इसको भी यहां पे आके डाल देता हूं, ऐसे, समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या लिखा है, कंपाइल रन कर देता हूं मैं, 10 10 2020 आ गया ना, देखिए, तो जैसे ही मैंने आईडी में डाल दिया 10, एक वैल्यू डाला 10 और फिर आईडी को मैंने यहां पे प्रिंट करा तो आ गया 10, लेकिन फिर पिन कोड को जब मैंने प्रिंट करा, ठीक है, तो भी आ गया 10 ही, ठीक, क्योंकि जो डेटा मैंने आईडी में असाइन करा वो दोनों वेरिएबल्स को मिल गया, आईडी को भी मिल गया, पिन कोड को भी मिल गया, तो पिन कोड को मैंने डाला तो नहीं लेकिन फिर भी प्रिंट करा तो यहां पे आ गया ना, आ गया। फिर जैसे ही मैंने पिन कोड में दूसरा डेटा डाला तो पिन कोड में भी आ गया 20 और आईडी में भी आ गया 20, डिलीट कर दिया पिछला वैल्यू जो 10 था, ठीक, पुराना वैल्यू डिलीट करेगा, नया वैल्यू डाल दिया, ठीक है जी। अगर कुछ आप पुराने वर्जन्स के कंपाइलर्स वगैरह का इस्तेमाल करो तो वहां पे आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है, शायद कुछ टर्बो वगैरह सी वगैरह पे, टर्बो सी वगैरह पे करते हैं, ठीक है, तो वहां पे 00 भी दिखता है कि 0 आ गया जी, पुराना वैल्यू उस वेरिएबल का डिलीट कर दिया, ठीक है, तो यहां पे 10 10 2020 आ गया जी, ठीक है। तो एक वेरिएबल में हम डेटा असाइन करेंगे, वही डेटा सारे वेरिएबल के लिए हो गया, ठीक, कुछ पूछना है या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, ये देख लीजिए, S1 नाम का एक यूनियन बना, उसके अंदर एक डब्बा है, ठीक है, और जो है आईडी और पिन एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो क्लियर है ये, नहीं क्लियर है, क्लियर है पीछे, नहीं समझ में आया, समझ में आया, फोटो फोटो खींचोगे तो आप लोग खींच लो जी, लिखना हो तो लिख लो, इसको तब तक मैं रोक लेता हूं, ये काहे के लिए रिकॉर्ड करेगा।
क्यों खत्म हो गया सब स्ट्रक्चर और यूनियन? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अन्यथा हम दबा देते हैं इधर डिलीट का बटन। नहीं यार मेहनत दबा दें डिलीट का बटन। चलिए।